Hello everybody, this is SK Chanda. Welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 6 Mathematics Chapter Number 7 Fraction Exercise 7.3. Question number 1 is write the fractions. Fractions would have a are all these fractions equivalent? Is all fractions would have equivalent out of the key? देन आगे क्वेश्चन बुझा तापर आंसर करिया एठी देखा जो सर्किल दे यार ठीक मिडिल रे यार अधा है ओके एटा 1 बाय 2 हो राइट कहीं ना टोटल 2 पार्ट से डिवाइड करा है से 1 पार्ट को कलर करा है से 1 बाय 2 हो तो यार फ्रैक्शन हो 1 बाय 2 देन तापर सेकंड डबल आई रो एठी टोटल सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड करा दिछि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 चारटी पार्ट चारटी आंसर कराय छि एथिरु दुइटा पार्ट को शेडल कराय छि तेनो टोटल जेतु पर पार्ट्स कराय छि तळे 4 लिखबा देन ऊपर 2 लिखबा 2/4 2/4 को हमें यार जदि सिंपलेस्ट फॉर्म करबा ताहले दुइटा दिकर कॉमन फैक्टर हे परबो 2 2 1 is 2 आउ तळे हबो 2 2 जा प्रथम 1/2 हो छि तेणु या को मध्य लिखा 1/2 हमें फास्ट पाइल 1/2 एटा भी पाइले 1/2 देन नेक्स्ट एथिरे या को समान केते पार्ट रे डिवाइड करै छ 1 2 3 4 5 आउ 6 सेथ पय यार डिनोमिनेटर 6 हो जति किटा पार्ट शेड ऐड करछन्ती देखो 3 पार्ट्स को शेड ऐड करा है तेणु न्यूमरेटर 3 हो अब याको सिंपलेस्ट फॉर्म रे करबा हो 1/3 1 इज 3 और 3 2 जा 6 1/2 होला तनो एटा भी 1/2 हो आगो बुझिबा तळे तापर मु दिस स्क्रीनशॉट नै कि लिखिन हो एटा भी 1/2 हे गेला तापर नेक्स्ट फिगर एथिरे याकु 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 8 पार्ट्स रे डिवाइड करा जाय छी 8 पार्ट्स रु 1 2 3 4 पार्ट्स को शेड करा जाय तनो 4/8 हो 4/8 8 अभी 4 इज द डिवाइड करिया 4 1 इज 4 और 4 2 जा 8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिटा तक 1/2 हे गेला तनो हमें कह परिया ए सब गुडा को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अटंते सब गुडा को वैल्यू सेम बाहर छी एटा भी 1/2 हो गेला एटा एबे लिखबो कंती ओके एबे तो बुझी गेले याको लिखियो पई तळे आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 1 ए रो आंसर कराय जे एठो लिखने पडबा एटा क्वेश्चन असला ए क्वेश्चन नंबर 1 रो ए आई लिखिया शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1/2 माने 2 पार्ट्स रु 1 पार्ट हिची आउट ऑफ 2 पार्ट्स ओनली 1 तापर डबल आई शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 2/4 हम देखितले सेटा को शॉर्टेस्ट फॉर्म करा है देखो 2 रे डिवाइड करा है छी बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आ 1/2 मिल छी ठीक से मति ट्रिपल आई रे लिखबो शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 3/6 देन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 रे डिवाइड करा है छी 1/2 हो छी ठीक से मति आई भी रे 4/8 लिखबा 4 4 रे डिवाइड करके 1/2 लिख परबा ओके देन सब गुडा को 1/2 होला सेति पई लास्ट लिखबो सो दिस इज सो सिंबल और देयरफॉर भी कह जाय देयरफॉर ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट सो ए सब गुडा को इक्विवेलेंट अटंती ओके क्वेश्चन नंबर 1 ए को तुम एबे स्क्रीनशॉट नै परबो आ स्क्रीनशॉट नै के ताको बुझबा एवं लिखबा राइट तापर बी क्वेश्चन को जिबा बी क्वेश्चन एठी भी इंसर्ट करा है जी हम बुक रु पूछ लेबा यस क्वेश्चन नंबर 1 बी रो यस ए फिगर तो पूछ जा राइट एथिरे देखिबा टोटल देखा सर्कल गुडा का छि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 4 सर्कल्स अछि 4 सर्कल रु
मिडिल वाला देखा एटा रो सेकंड सेकंड रो ये सब गुडा का शेडेड फॉर्म है जो 1 2 3 4 राइट टोटल 12 अच्छे से में डिनोमिनेटर 12 और न्यूमरेटर रखिया 4 त माने 4/12 वाला एटा ओके एटा या पई 4/12 हो जई हे 4/12 को सिंपलेट फॉर्म करिया से सिंपलेस्ट फॉर्म कले हबो 4/12 इज इक्वल टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रो कॉमन फैक्टर 4 अछि तनो उपरटा को काटि देबा 4 1 इज 4 आउ तोलटा को 4 3 जा 12 तनो 1/3 हला राइट तापरे नेक्स्ट फैक्टर को बुझबा ए फिगर रे टोटल अछि केतटी सर्कल काउंट कर देबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 अछि सेटमेंट डिनोमिनेटर रे 9 लिखिबा डिनोमिनेटर 9 लिखिबा एवं जेहेतु शेडेड वाला 1 2 3 ओनली 3 अछि 3/9 हबो तो 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म करबा 3/9 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर 3 अछि और हम कह परबा बोथ न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर एचसीएफ 3 अटे हम आग्रो भलो हर बुझ सर छथि जवन बुझि ना हां यार प्रीवियस वीडियो को देखनियो 3/9 को हमें 3 रे डिवाइड करबा पहले 3 1 इज 3 आउ 3 3 जा 9 हबो ओके मोटेट के रिपीट कर दूछु बोथ 3 आउ 9 रो जो एचसीएफ बाहर कर जाए कोनसी गुटे फ्रैक्शन रो सिंपलेस्ट फॉर्म बाहर करिया पय हले बोथ न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर को छोटो करिया पड़ी थे छोटो केम करबा ना उभय रो एचसीएफ नै जबा एटे 3 आउ 9 रो एचसीएफ होची फर्स्ट 3 रे कट कर परिया 3 1 इज 3 आउ 3 3 जा 9 1 3 हला बस एतिके रे हमरो ऑपरेशन एतिके रे कंप्लीट करबा कारण अबे 1 आउ 3 पाइ जंती तो ए 3 टा होची एचसीएफ तनो ए 3 को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रे डिवीजन कर दिया जाए डिवीजन कर देले जति के हबो सेटा होची सिंपलेस्ट फॉर्म बोली कह जाए तो एठी बोथ न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर को 3 रे डिवीजन करिया 3/9 डिवीजन 3 आउ 3 इज इक्वल टू ऊपर यदि 3 को 3 रे डिवीजन करले 3 1 इज 3 हबो जो कोसेंट ता परे डिनोमिनेटर 9 को 3 डिवीजन करले 3 3 जा 9 हबो 1/3 एटा होचे सिंपलेस्ट फॉर्म ताले 1/3 हला ओके नेक्स्ट ताले 8 1/3 हला आउ 8 भी 1/3 हिजे राइट देन नेक्स्ट देखिबा थर्ड पिक्चर को एठी शेडेड खाली दीटा अछि राइट सेथ में हम न्यूमरेटर रे 2 लिखि देबा आउ डिनोमिनेटर रे टोटल जति अछि 1 2 3 4 5 6 6 अछि 2/6 एकला एको सिंपलेस्ट फॉर्म कोले 2 आउ 6 रो एचसीएफ 2 हबो त उपरटा हबो 2 1 2 तोटा हबो 2 3 जा 6 1/3 हबो ओके त एठ लिखिबा 1/3 आउ ता पर फिगरटा एथिरे एथरे देखो एटा पूरा क्लियरली जणा पड़ छु 1/3 हो काहे कि ना गोटिए सेलेक्ट छै सेति पई न्यूमरेटर 1 आ टोटल अछि 3 तीनों छै त 1/3 हो लिखली 1/3 ता पर एटा के काउंट करबा कतरी अछि फर्स्ट रो रे अछि 1 2 3 4 5 आ एम तळ को अछि टोटल तळ को भी काउंट करबा कतरी अछि 1 2 3 त 5 3 जा 15 टी अछि 15 सर्कल रु तले डिनोमिनेटर को हम 15 लिखि देबा ठीक अछि न्यूमरेटर कते हबो कतरे से डेड छि 1 2 3 4 5 6 6/15 हबो न्यूमरेटर रे 6 लिखिबा 6/15 6 आउ 15 को हमें तारंकर कॉमन फैक्टर खोजिबा कॉमन फैक्टर एठी के हे परिबो 3 हे परिबो कॉमन फैक्टर ओके आ 6 15 रो एचसीएफ 3 हबो तले 3 1 इज 3 तले हबो 3 5 जा 15 ओके 1/5 हला तो ए सब गुडा को इक्विवेलेंट हेबे ना देखो इत को इक्विवेलेंट हले ये सब 1/3 ये सब इक्विवेलेंट हला किंतु एटा इक्विवेलेंट यांको संग दे हेउ ना एबे जहा डिस्कशन करले याकू आंसर शीट रे देखि दबा मु इंसर्ट कर छी तले ताकू तुमा स्क्रीनशॉट नेकी लिखि परिबो ओके देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 रो बी यस एटा शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 4/12 ताकू 4 4 रे डिवीजन करके 1/3
लिखा ओके देन डबल आई स्टैंडर्ड पार्टिकल रू 3/9 थ्री थ्री डिवीजन करिया 1/3 बढ़ ट्रिपल आई स्टैंडर्ड पार्टिकल रू 2/6 माने टोटल 6 टा अछि से थ्रू 2 टा सेडेड है 2/6 2 रे डिवीजन करै कि 1/3 देन आई भी वाला 1/3 टा डायरेक्ट लिखबा तापर स्टैंडर्ड पार्ट 6/15 एटा हला 2/5 राइट 3 2 जा ऊपर टा जदि काटबा 3 2 जा होजे 3 2 जा 6 तलटा 3 5 जा 2/5 होजे राइट देन तापर लिखिबो सिंस ऑल द फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आर नॉट इक्वल देयरफॉर दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जेहेतु फ्रैक्शन गुडा करो सिंपलेस्ट फॉर्म गुडा को समान न है सेथि में हमने इक्विवेलेंट न होंथे ओके देन क्वेश्चन नंबर 2 आगे बुझवाय ठीक क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो प्रत्येक रो ये दुईट रो अच्छी देख रो नंबर 1 यहाँ फर्स्ट रो तापर यहाँ सेकंड रो दुईटा तक रो रे किसी फिगर्स देसी फिगर गुड़ाक तुम्हें फ्रैक्शन गुड़ाक फास्ट लिख लिखा पर इक्विवेलेंट गुड़ाक मैच कर मैंने ऊपर ए जी फ्रैक्शन बाहर से तले का सांगे मैच कर देखा ये गुड़े देखिए ओके जो थे मैच कर सिंपलेस्ट फॉर्म टा मैच करिबा जरूरी अटे देखिबा का संगे मैच कर फास्ट हमको फ्रैक्शन गुड़ा को लिखा पड़ो राइट हम फास्ट रो रो फ्रैक्शन आगे लिखने वा ए रे टोटल 2 इक्वल पार्ट्स रु 1 पार्ट जे से 1/2 हो तापर बी रे देखिबा टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स रु 1 2 3 4 4/6 हो राइट 4/6 ला एटा 1/2 एटा हला 4/6 4/6 रो सिंपलेस्ट फॉर्म 4 आउ 6 रो एचसीएफ 2 बाहरबो 2 भेले 2 2 जा 4 आउ 2 3 जा 6 2/3 हो ताले सेकंड पॉइंट लिखिबा 2/3 तापर नेक्स्ट देखिबा सी पई टोटल एच सी 89 देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्टस रु टोटल 3 पार्टस एडेड है 3/9 हो राइट 3/9 रो सिंपलेस्ट फॉर्म बाहर करवा बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करवा 3 रे 3/9 इज इक्वल टू 3 1 is 3 3 3 is 9 1/3 हला ताहले ए सी पई फ्रैक्शन 1/3 लिखिबा 1/3 देन फिगर डी पई लिखिबा टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट से डिनोमिनेटर 8 न्यूमेरेटर दुटा पार्ट हो तेना 2/8 या सिंपलेस्ट फॉर्म कले 2 1 is 2 2 4 जा 8 1/4 हो डी पई 1/4 लिखा वन बाय फोर एवं देखा इ फिगर पर इ फिगर रे टोटल 4 पार्ट्स से डिनोमिनेटर 4 हम आउ 3 पार्ट्स 3/4 हो ओके राइट एवं देखा तल फिगर रे कौन कौन सब बाहर फ्रैक्शंस फास्ट देखा आई पाई ये टोटाल के भाग विभक्त टोटाल के भाग विभक्त कर देखा देख 1 2 3 3 हाँ 3 होगा आपटे पुणी 3 1 2 3 3 3 जा 9 टोटल 9 है 9 पुणी सब गुड़ाक पुणी 2 2 पार्ट्स कर 18 हम आउट ऑफ 18 पार्ट्स ओके आउट ऑफ 18 इक्वल पार्ट्स केतटा सेडेड है 1 2 3 4 5 6 6/18 इज इक्वल टू 6 1 is 6 6 3 जा 1/3 ये 1/3 वाला सी सांगे मैच कर जाऊँगी एट लिखा 1/3 फास्ट लिखा 1/3 1/3 मैच कर सी सहित ये देख सी अच्छी या सांगे ये 1/3 मैच कर सी थी सी आई तेणु आंसर हम सी सहित आई आम या लिखिपर सी एपटे आई
अंति ब्राकेट कर आंसर सीट ओके देन नेक्स्ट फिगर को आसवा आग फ्रैक्शन गुड़ाक लिखिद ये डबल आई रे टोटल पार्ट्स कराई ची 1 2 3 4 5 6 7 8 डिनोमिनेटर 8 देन न्यूमेरेटर है टोटल 4 पार्ट्स है जी सेड तलम 4 बाय 8 इक्वल टू 1 बाय 2 हो डबल आई पाई 1 बाय 2 हो गला राइट देन ट्रिपल आई पाई इसी टोटल कते पार्ट्स से डिवाइड कराई ची देखने वा 1 2 3 4 समथिंग एपटे वर्टिकली पुनी एटा 1 2 3 4 4 4 16 टोटल 16 अच्छे डिनोमिनेटर को 16 लिखवा आउ टोटल है ही नहीं 1 2 3 4 तमने 16 माइनस 4 इज 12 तमने 12 टा सेलेक्ट कर है छि तनो 12 बाय 16 या को 12 और 16 बोथ कैंसिल आउट करबा बा 12 बा 16 रो एचसीएफ बाहर कर दवा फर्स्ट 12, 16 2 2 6 जा 2 8 जा अगेन 2 2 3 जा 6 2 4 जा ओके एति की हो 2 2 जा 4 4 होची एचसीएफ तनो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 रे डिवीजन करिया यदि 4 रे डिवीजन करिया ऊपरटा 4 रे जदि कैंसिल आउट करिया 4 3 जा 12 तलटा हो 4 4 जा 3 बाय 4 हे गेला राइट एटा 3 बाय 4 लिखि दवा अथिरे नेक्स्ट देखिबा एटी केते पार्ट रे डिवाइड कराय छी देखियो 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स तळे भी 6 पार्ट्स एंड एमती 12 पार्ट्स आछ सेति मे डिनोमिनेटर 12 हे जबो एथिरु शेडेड केते पार्ट आछ देखिबा डिनोमिनेटर 12 हे गेला शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सेति मे न्यूमरेटर को 8 लिखियो ओके 8 बाय 12 या को शॉर्टेस्ट फॉर्म करिया पाए 4 कैंसिल आउट करले 4 2 जा 8 आउ 4 3 जा 2 बाय 3 हे गेला तेनो एठी हम 2 बाय 3 लिख परबा देन नेक्स्ट बी फिगर रे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इक्वल पार्ट्स काउंट करबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेथ में डिनोमिनेटर हबो 16 देन न्यूमरेटर शेडेड पार्ट तो कहबो 1 2 3 4 4 बाय 16 इज इक्वल टू 1 बाय 4 हबो 4 1 इज 4 4 6 4 4 जा 16 1 बाय 4 ला एबे देखिबा की का संग मैच करछि फर्स्ट ए वाला 1 बाय 2 डबल आई ओके देन बी 2 बाय 3 ये मैच कर 2 बाय 3 आई भी देन सी 1 बाय 3 आई 1 बाय 3 या से मैच कर राइट देन डी 1 बाय 4 ए 1 बाय 4 भी 1 बाय 4 आ गोटे खाली रहला जोटा 3 बाय 4 से हो ई वाला सी हम ई ट्रिपल आई सहित मैच कर राइट एवं आम जहाँ बुझे ये आंसर सीट रे देख ना तले इनसर्ट कराई क्वेश्चन नंबर 2 राइट एटा क्वेश्चन टा आउ यार आंसर एठ जहा जा बुझले एठ एमति लिखि नबो राइट तो 3 रेट डिवाइड करै छै एथमे 1 बाय 3 2 रेट डिवाइड करै छै 2 रेट डिवाइड करै छै ओके यस तापरे के का सहित मैच करछि हां एते को मैच करछन्ते ए डबल आई बी आई भी सी आई डी बी ई ट्रिपल आई बुझे सारी क्वेश्चन नंबर 3 करिबा
विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इन अनदर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.